और अब मैं आज के कार्यक्रम के उस महत्वपूर्ण कड़ी पर पहुंच गया हूं जब मैं निवेदन करूंगा हमारे मार्गदर्शक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि वे हमें संबोधित करें। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में उपस्थित पेट्रोलियम विभाग के सचिव आदरणीय तरुण कपूर जी, हमारे पांचों कंपनी की प्रमुख आदरणीय वैद्य जी, सुराना जी, पद्माकर जी, मनोज जैन जी और जाना जी तथा विभाग के पेट्रोलियम इंडस्ट्री के वरिष्ठ मित्र साथीगण, और आज जो हमारे परिवार में दो चार नए लोग जुड़े जिनके साथ समझौता हस्ताक्षर हुआ, एमओयू हुई, वो भी इस कार्यक्रम पे आज से जुड़े, हमारी परिवार से उनका सदस्यता मिली उनको, और अनेक अनेक साथी जो सफलता के साथ इसे, शायद मैं अगर ठीक सुन पाया, जो हमारी हैदराबाद में तेलंगाना में जो आज सीबीजी रिटेल आउटलेट आज यहाँ लोकार्पित किया गया, उनकी प्रमुख के नाम आरएसएस राव ऐसा कुछ था ना अनुराग? यस सर, आरएसएस, श्री आरएसएस राव। इनके नाम को आगे चल के कभी बैन भी होने का कोई मांग कर सकता है, इनका नाम कैसे आरएसएस राव हो गया। आरएसएस राव जी, आपसे एक दूसरे को समझना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि आज तेलंगाना में पहली बार सीबीजी प्लांट लगी, फाउंडेशन स्टोन हुई, और आपने सीबीजी की रिटेल आउटलेट भी लगा दिया, तो आप सीबीजी लाए कहाँ से? सर, ए सी बी जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम ए चिकन लिटर से प्रोड्यूस्ड है सर, वहां से हम इस रिटेल आउटलेट को फीड कर रहे हैं। सो टुडे यू हैव टू ओकेजन, वन चिकन लिटर की एक प्लांट फंक्शनल हुई और उसी की आउटलेट भी बनी। जी सर, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसे ही जो गोवर्धन की हमारे नादिया जिले में जो मित्र आज इंजेक्शन किए, अपना शायद डायरी फार्म चलाते होंगे, उन्हीं की कोऑपरेटिव डायरी होगी उस बेल्ट में, और उन्होंने जो प्रोडक्शन किया होगा उसको आज उन्होंने अपने ट्रंक पाइप सीजीडी की पाइपलाइन में डाला। मेरा जितना मैं समझ पाया, ऐसे ही कार्यक्रम आज वहाँ गोवर्धन की ओर से, गोवर्धन एनर्जी की ओर से हुई, ऐसा ही हुआ ना? यस सर। आपने कहा कि ये पहला बार, तब आईओसी वाले मित्र बताए, गेल मित्र बताए, तो वारना में तो हमारा सीबीजी ऑलरेडी एक ट्रंक पाइपलाइन में पहुंच रहा है ना, क्यों मनोज जी? वारना डायरी से आईओसी एक रिटेल आउटलेट चला रहा है और गेल की ट्रंक पाइपलाइन में हम डाल रहे हैं। सर, ये पाइपलाइन में पहली बार डाला, बाकी रिटेल आउटलेट डायरेक्ट पाइपलाइन से, ओनली फॉर रिटेल आउटलेट पहले से जा रहा है, बट सीजीडी नेटवर्क में पहली बार डाला गया। तो वारना वाला सीजीडी नेटवर्क में नहीं था? वारना में आईओसी वाले बता पाएंगे शायद, वो केलो पाइपलाइन बनाया था शुगर मिल से रिटेल आउटलेट तक, अपने ट्रंक पाइपलाइन में लाए ऐसा उनकी अपेक्षा था, वो अभी तक शायद नहीं हुई है। गेल, गेल में स्पीक प्लीज। उसमें वो डायरेक्ट सीजीडी
मैं जा सकता है वहां लो प्रेशर उसकी प्रेशर ठीक है चलिए आज ऐसे जो सारे मित्र इसमें जुड़े और उसकी एक वेबसाइट भी सामने लाया गया ये सभी के लिए आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा अनेक अनेक बधाई और विशेष करके मैं सेक्रेटरी कपूर साहब को धन्यवाद दूंगा उनकी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति अत्यंत विश्वास और श्रद्धा होने के कारण जैसे जैसे उन्होंने अपने कैरियर में इस विषय को रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री में काम करते हुए पावर मिनिस्ट्री में काम करते हुए और हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में काम करते हुए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में भी उन्होंने काम किया उसके कारण उनकी जो एक व्यापक अनुभव आई है इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी की ये विजन को सही तरीके से आज हम लोगों के अंदर एक कैटलिस्ट बनके उसको कर पा रहे उनको मैं आज की ओकेजन पे सबसे पहले शुभेच्छा देता हूँ। शायद हमारे आशीष चक्रजी जी जो अभी तक इस काम को फ्रंट से पायलटिंग कर रहे थे शायद आज उनका आप क्या ओवरस्टे तो कर लेंगे या आज आप विशेष अतिथि होके आए हैं आशीष जी ना आपकी आवाज नहीं आ रही है अनम्यूट कर दो। आज इनका लास्ट डे है सर तो ये फेयरवेल भी इनकी यहीं से हो रही है वही मैं कह रहा था चल आज मैंने 1 जून उनका लास्ट डे था मैं लास्ट डे दिस टेन्योर आज है सर आज लास्ट डे है जी आज इस टेन्योर की आवाज आशीष जी को हमारा अनेक अनेक शुभेच्छा रहेगा वो जहां भी जाएंगे वो निश्चित रूप में एनर्जी के बारे में काम करेंगे और विशेष करके सस्टेनेबल एनर्जी क्लीन एनर्जी के बारे में काम करेंगे। मित्रों आज देखिए सुखद संजोग है आज हम 1 जून पे मिल रहे हैं 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी भारत भी मनाएगी और दुनिया के अंदर पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी ने मिलकर हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रति एक जिम्मेवार नागरिक के नाते क्या भूमिका निभानी चाहिए एक कॉरपोरेट के नाते क्या भूमिका निभानी चाहिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड ग्लोबल मॉडल हम लोगों ने दुनिया के सामने रखा है बहुत बड़ा व्यापक मॉडल हमने रखा है। मैं अगर गिनाना शुरू करूं 5 साल 1 महीना पहले हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्लीन कुकिंग फ्यूल गरीबों के घर में देने की प्रोग्राम किया 80 मिलियन घर में देने की जिम्मेवारी हमको मिली रिकॉर्ड टाइम पे हमने उनको पूरा किया आज उस मॉडल को दुनिया देख रहा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हम ये टीम जब 2014 में काम शुरू किया तब 1% में भी कम ब्लेंडिंग होती थी अभी अभी एक रिव्यू में प्रधानमंत्री जी के सामने हम सभी को सौभाग्य मिला प्रेजेंटेशन करने के लिए इसी शुगर ईयर में यानी 21 नवंबर आते आते हम 8.5% तो पक्का ब्लेंडिंग पहुंचा देंगे लगभग 20,000 करोड़ रुपया जो 500 करोड़ रुपया की टर्नओवर होती थी वो 20,000 करोड़ रुपया तक पहुंचेगी। हमारी बायो डीजल की प्रोग्राम बढ़ी है हमारी एल्यूमिनियम एयर बैटरी जैसे इनिशिएटिव को तेजी से हम आगे ले जा रहे हैं सीबीजी प्रोग्राम आज मोमेंटम लेना शुरू किया। मैं व्यक्तिगत रूप में 2018 से अगस्त महीने में उस दिन शायद वर्ल्ड बायोफ्यूल डे होती है अगस्त 10 अगर मेरे स्मरण शक्ति ठीक है तो अगस्त 10 था ऐसा ना 2018 अगस्त 10 में हमने सतत पॉलिसी को लोकार्पित किया था और उससे आगे 3 साल के अंदर
हम लोगों ने 3 साल पूरा नहीं हुआ, 2.5 साल के अंदर हमने काफी प्रगति किया है, लेकिन मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूं। ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुई है, अभी टाइम आया है। ये जो 5 कंपनी आज कई प्रकार के समझौता किया, आपको समझौता क्यों करना पड़ा, इसी में भी मेरा मन में प्रश्न है वैद्य जी। मैंने आपके अंदर कंपटीशन होनी चाहिए, अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें आप समझौता करोगे कि भाई मैं मेरे सीजीडी में मैं दूसरा कोई कंपनी की LOI से बनने वाला सीबीजी को लूंगा, तो नेचुरल मार्केटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। इसलिए मेरा चिंता है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या, ये तो नेचुरल चीज है। मैं सुबह उठा और ब्रश किया, ये कोई काम है क्या, ये तो करना ही है। जहां जहां भी कोई भी हमको सीबीजी बना के दे, जैसे गोवर्धन वालों ने दिया, ऐसे कोई भी सीबीजी, हमने देश को ये आश्वस्त किया था कि देश में कोई भी सीबीजी कहीं भी बनाएगा उसको हमारी जिम्मेवारी, यानी ये 5 कंपनी की जिम्मेवारी है, उसको हम ले आएंगे एक फिक्स प्राइस के माध्यम से। हम सीजीडी में डाले, ट्रंक पाइपलाइन पे डाले, उसको आगे क्या यूटिलाइज करें, उनको यूटिलाइज करवाने की मदद करें, लेकिन हमारी कंपनियां ये सारे कामों में उनकी साथ रहेगी, ये हमारी कमिटमेंट था। ये सारे मामले में आज हम लोग कई कदम आगे पहुंचे हैं, फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप में उसमें बहुत संतुष्ट नहीं हूं। इसको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के रास्ते पे आने वाले इसी फाइनेंशियल ईयर में लेना है। जितना LOI दिया गया है सबकी प्रोडक्शन लाइन बने, प्रोडक्शन बनाने के लिए क्या समय और कब लग सकता है उसकी प्लान करें, उसकी पर्यावरण में डी बॉटलनेकिंग क्या क्या जाएगा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की राज्यों की इसी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति में वो विभाग के सामने रखे, उसको और सुधार करेंगे, और कुछ दिक्कत आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, छोटे उद्यमियों को हैंडहोल्ड करने में और क्या मदद लगेगी उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। जगह जगह पे कंपनियां या बड़े बड़े जो प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो कैसे मेगा प्लांट लगाएं या मेगा क्लस्टर बनाएं उसकी प्लान करें। नहीं तो डॉक्टर रामा कुमार जी, मेरे को फरीदाबाद वाला सब समय में याद आता है, एक छोटी सी विंडो खोल के आपने दुनिया को लेके वहां घुमा के आए हो कि हमने सीबीजी की बहुत बड़ा प्लांट लगाया, हरियाणा सरकार हमारे साथ है, ऐसा नहीं। आप जल्दी ही गोरखपुर की सीबीजी प्लांट को डेडिकेट करवाइए। ऐसे ही हम एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की रास्ते में सीबीजी को लेना चाहते हैं। और क्या डी बॉटलनेकिंग किया जा सकता है, इसमें कल्पना यह है, म्युनिसिपैलिटी हो, ग्रामीण किसानों के क्षेत्र हो, जंगल की वेस्ट हो, कोई भी प्रकार की बायोमास हो, उस बायोमास से हम गैसिफिकेशन करके उसको कैसे हम लोग नेचुरल गैस की फॉर्म पे ले आ पाए। ये रॉकेट साइंस, मैं साइंस की विद्यार्थी हूं नहीं, फिर भी आप जैसे विद्वानों के साथ घूम के और रत्नाकर जैसे मरा मरा करके राम कहके वाल्मीकि की ओर जा रहा है, मैं वाल्मीकि के रास्ते में तो हूं नहीं, इतना अहंकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा वो भी टेक्नोलॉजी की भी थोड़ा जानकार हो गया हूं। आज टेक्नोलॉजी रॉकेट साइंस बचा नहीं, गैसिफिकेशन करना और उसको क्लीन करना और उसको कॉम्प्रेस करके एंड यूटिलाइज करना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अदर कोई कामों के लिए, PNG CNG दोनों रूप में यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी सिद्ध हो चुका है। फर्टिलाइजर की एक अलग एडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन चुकी है, लेकिन इसको कमर्शियली वायबल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। इसीलिए आप इसको अभी एक मिनिस्ट्री ने कहा है, देश की एक प्रायोरिटी है, प्रधानमंत्री अपील करते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी इथेनॉल को हाथ में लिया है, इसमें सुराना जी आयर आयर आपको क्या दिख रहा है, सीबीजी में ढंग का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं सर, सीबीजी प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छा है ना। मैं सुराना जी को, मेरा कसौटी पत्थर है, सुराना जी अगर संतोष से आयर आर ठीक मिल रहा है तो सब हो सकता है। ये आयर आर भी अच्छा मिल रहा है, सुराना जी कहे तो सही, जो सुराना जी कहे वो सही, ये मान के
इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लोग मिलके करोगे और हैंड होल्डिंग के रूप में करोगे, खुद करो लेकिन उद्यमी उसमें आए, ये आप लोगों धीरे धीरे आने वाले दिनों में हम सिर्फ, मैं आपको एक मैंने मैं जितना भविष्य को देख पा रहा हूं एक प्रिडिक्शन कर रहा हूं, फसिल फ्यूल फसिल बेस्ड एनर्जी ये आने वाले डिकार्ड्स में एक अपशब्द बनने वाला, जरूरत है हम यूज करेंगे ही, और हम तो VS6 जैसे एक क्लीन फ्यूल को भी ले आ चुके, नेचुरल गैस के हमारी नेटवर्क तो वन ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूल है, लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूं ग्रीन फ्यूल के प्रति एक आकर्षण, ग्रीन एनर्जी के प्रति एक आकर्षण दुनिया में बढ़ रहा है, और उसमें भारत की एनर्जी इंडस्ट्री में मैं पूरा थोड़ा उसके लिए मैं आडामेट रहूं, थोड़ा ज्यादा अभिमान से कहूं मेरे को आप सभी के ऊपर भरोसा है, एनर्जी कन्वर्जन में हम कचड़े से एनर्जी बनाने के लिए जो एक सपना है दिस रैक पिकर को एनर्जी स्टेक होल्डर बनाना, ये हम कर हम ही लोग करने वाले हैं देश में इसी को, क्योंकि हमारी पास ऑर्गेनाइज रिटेल एनर्जी आउटलेट किसी के पास इतना नहीं, दुनिया में नहीं, कोई सिंगल एंटिटियों के पास, अरे हम 5 कंपनी मिलके करें तो हम 5 ही लोग हैं, कंबाइंड फोर्स है, प्राइवेट सेक्टर भी है, इसलिए देश की आवश्यकता, विश्व की आवश्यकता, एक 21st सेंचुरी की कमोडिटी जिसमें हमें लगता है कि भारत सही मायने में ग्लोबल लीडरशिप की रोल ले सकता है, ये काम हम कर रहे हैं। ये CBG की 2 आउटलेट बनाने की विषय नहीं, 4 LOI और कंपनियों को देने के विषय नहीं है, आपस में कंपेटेबिलिटी बढ़े एक MOU की इतना विषय नहीं है, मैं तो उसको एक ग्लोबल लीडरशिप की दृष्टि से हम सभी की इनिशिएटिव देख रहा हूं। मैं थोड़े दिन पहले पानीपत में वो कोविड हॉस्पिटल उद्घाटन करने के लिए गया था, मेरे को 2G एथेनॉल की पानीपत प्लांट को उठते बनते हुए मेरे को दिखे आत्मविश्वास आया, अगर वो सफल होती है जो हमको कहा गया कॉम्पिटेटिव रेट में रिफाइनरी बेस्ड एक ग्रीन रिफाइनरी जो हम लगा रहे हैं, हम देश की बहुत बड़ा उत्तर दे सकते हैं। देश चिंतित होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में दिल्ली की पर्यावरण को लेके, नॉर्दर्न इंडिया के पर्यावरण को लेके, ये स्थिति सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में नहीं है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, NGT है, मॉनिटरिंग कमिटी यही बैठते हैं, इसलिए उनको दिखता है, लेकिन देश के किसानों की वेस्ट उपज ऐसे ही होती है, उसकी उत्तर हमारे पास। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के हमारे एम्बिशियस जर्नी में ग्लोबल मॉडल हमारे पास उत्तर है, और उसके ऊपर हाइड्रोजन, मैं कभी ये जो CBG नॉन फॉसिलाइज कार्बन कहाँ है ये सारा विषय एक बार मेरे को हमारी देश की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर काकोड़कर मेरे को समझा रहे थे, तब सर मैं आप लोगों को, तो आप लोग मेरे को जानते हो और मैं आप लोगों के सामने कैंडिडली कहने में मेरे कोई आपत्ति नहीं, तब मैं सब सब इसे समझ रहा था, उस समय उन्होंने कहा कि देश में अगर हम 15-20 MMT CBG उत्पादन करेंगे और उसको हम हाइड्रोजन में कन्वर्जन करेंगे तो दुनिया के लिए हम एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे। हमें इन दिनों में एक एंटरप्रेन्योर मिले जो सोलार में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर हम जापान के साथ टोक्यो गैस के साथ बात कर रहे हैं, हम लोग भारत से रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन बना के उसको यूरिया में अमोनिया में कन्वर्ट करके हम जापान लेके वही उनकी गैस नेटवर्क में डाल देंगे, जापान हमको उसकी प्राइस दे रहा है, कॉम्पिटेटिव प्राइस दे रहा है, तब मेरे मन में आया क्या भारत में हम इसको क्यों नहीं कर सकते, हम ही लोगों को हम हाइड्रोजन को दुनिया में कॉम्पिटेटिव रेट पे ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल बनाने की क्षमता आप लोगों के अंदर है, ये CBG सिर्फ CGD की विषय में नहीं होनी चाहिए, ठीक है अभी हम करके उसमें डाले,
और एनर्जी कंजम्पशन पे पहुंचा है। लेकिन अगर आप थोड़ा कल्पना करिए, मैं थोड़ा सा ज्यादा एम्बिशियस हूं, लेकिन मैं तो इसको हम कर सकते हैं। हम ब्राउन हाइड्रोजन की बात कहते हैं, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन की बात कहते हैं, हम रिफाइनरी की कार्बन कैप्चर करके उसमें से हाइड्रोजन निकाल के उसको ग्रीन की ओर ले जाना, क्लीन की ओर ले जाना, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन मित्र, हम इस सीबीजी की क्वांटम बढ़ा के उसी से हाइड्रोजन निकाल के अगर हम ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल यूज करते हैं, हमारी क्या फायदा होगा आप कल्पना करो। इकोनॉमिक्स, फॉरेन एक्सचेंज कंजम्पशन, एनवायरमेंट, ब्रांडिंग, ये सारा जो चीज बनेगी और एक ग्लोबल लीडरशिप उसी में से उभरेगी। और मैं आज 1 जून को जब प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे 4 दिन के बाद एनवायरमेंट डे पे, तब तक हमारी कंधा सबसे मजबूत कंधा होनी चाहिए उस विजन को आगे ले जाने के लिए। इस बार जब सरकार वो की एक्शन टेकन रिपोर्ट भेज रहा था, मैं आप सभी को पहले भी शेयर किया हूं, अगर 10 मुद्दे पे कॉम्प्लायंस रिपोर्ट गया है, 5 मुद्दे जो 4-5 साल पहले बिना मतलब के पेट्रोल डीजल के कारण गाली खाते थे, यार आप ही लोग सबसे ज्यादा प्रदूषण करते हो, इस बार भारत सरकार जब कॉम्प्लायंस रिपोर्ट दी कोप की प्लेटफॉर्म पे, तो 5 अचीवमेंट आप ही लोगों का था, ये मेहनत आप लोगों की रही है। आप सब, लेकिन मैं पहले भी कह रहा हूं, आप सब हनुमान है, हनुमान को अपनी ताकत के बारे में मालूम कम होता, हनुमान अपनी पूछे एक बार हिलाएगा तो असंभव को भी संभव कर सकता है। ऐसे हमारी एनर्जी इंडस्ट्री, ऐसे हमारा विशेष करके पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। अगर आज हमने सीबीजी में हाथ लगाया तो उज्ज्वला जैसे किसी को, आप यहां बैठे हुए किसी को ये विश्वास नहीं था कि उज्ज्वला की आउटकम क्या है, उज्ज्वला के आउटकम हमारी हाथ में, कमर्शियली नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें सुराना जी नहीं मान सकते हैं, कमर्शियली नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो सेवा, जो गुडविल, जो जिम्मेवारी आपने संभाली, ये दुनिया में अनोखी है। ऐसे ही अगर हम रैक पिकर को खेतों में पराली जलने से बचा के उस किसान को हम एनर्जी स्टेक होल्डर बना दे, हम ही लोग कर सकते हैं। मैं आज की इस कार्यक्रम के अवसर पे विशेष करके कोक की बारे में जो भारत की उपलब्धि हुई, जिसकी श्रेय आप लोगों के, उसको समर्पित करता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्याओं में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, 2021 को एक माइलस्टोन ईयर की नाता हम लोग यूज करें। हमारी 5 प्रायोरिटी रेडी हो चुकी है और नया विषय को लाने की आवश्यकता नहीं है, एलपीजी हो या लैटेस्ट हाइड्रोजन हो या गैस बेस्ड इकोनॉमी हो या सीबीजी हो या एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हो या 2G एथेनॉल हो या बायोडीजल की इनिशिएटिव हो या एयर लिक्विड बैटरी की हो या सिंथेटिक गैस हो, ये सारा विषय पे हम भारत की अर्थनीति, भारत के अंदर पूर्ण रोजगार लाना और विश्व की अपेक्षा से ज्यादा करना, ये हम लोग कमिटमेंट करें। मैं फिर आपको आज के अवसर पे अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।